हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग जो कि यूपी सीनेट के नाम से था, उसका मॉपअप राउंड का रिजल्ट 23 तारीख को आ गया है। और लगभग आप लोगों को बता दूं कि जो है कितने नंबर पर, लगभग जो है 138 से अबव नंबर पर जो है जनरल और ओबीसी वालों का जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। और वहीं एससी की बात करें तो एससी को 130 से 132 तक गवर्नमेंट कॉलेज लगभग मिल गया है, जहां तक हम अपने कमेंट में देखे हैं लोगों का कमेंट। और अब आपको बता दूं कि स्टे राउंड के बाद मॉपअप राउंड के बाद अगला स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, कितनी सीटें रहेंगी, तो इन सभी पर हम लोग इसमें संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टे राउंड ज़रूर होगा। स्टे राउंड इसलिए ज़रूर होगा क्योंकि प्राइवेट की सीटें काफ़ी बची रहती हैं, और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सीटें भी थोड़ी बचाए रखता है स्टे राउंड के लिए, जिससे जो कैंडिडेट किसी कारणवश छूट गए हैं उनको जो है गवर्नमेंट सीटें मिल सकें। और आपको बता दूँ कि जो है कट ऑफ की बात करूँ, अगर कट ऑफ की, तो ये जान लीजिए कि लगभग जो है ओबीसी और जनरल 135 तक कॉलेज मिल जाएगा। और बात करें एससी और एसटी वालों को, समझ लीजिए 128 तक जो है कॉलेज मिलने के चांस हैं। ये हम बता रहे हैं कि मतलब अनुमानित चांस इतने तक कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद स्टे राउंड कब से चालू होगा, देखिए अभी काफ़ी लोगों को जिनको कॉलेज मिला है वो अभी काफ़ी लोग जो है कॉलेज जो है एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, काफ़ी लोग डिक्लाइन कर देंगे कॉलेज, इससे सीटें रह जाएंगी। और काफ़ी लोग जो है बाद में भी, अभी ये मान लीजिए कि हो सकता है यूनिवर्सिटी एक मौका दे और कॉलेज रिजाइन करने का, क्योंकि पिछली बार भी जब स्टे राउंड शुरू होना था तो उससे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी एक मौका दी थी अटल बिहारी वाजपेयी, कि जो लोग कॉलेज अभी तक रिजाइन नहीं किए हैं, जो लोग कॉलेज रिजाइन नहीं किए थे वो लोग जो है कॉलेज जो है रिजाइन कर दें। कॉलेज इसलिए रिजाइन करने का ऑप्शन दी क्योंकि काफ़ी लोग MBBS जो करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, वो इसका भी एग्ज़ाम दे देते हैं UPC NET का, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जब वो MBBS की काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको MBBS मिल जाता है, तो MBBS मिलने के बाद कोई BSc नर्सिंग थोड़ी न करेगा, इसलिए वो कॉलेज जो है छोड़ देते हैं। तो इससे पहले यूनिवर्सिटी एक मौका दे देगी सीट रिजाइन करने का। सीट रिजाइन करने के बाद जो है अभी आपका अगली बार जान लीजिए कि 2023 में दो स्टे राउंड हुआ था, स्टे राउंड फर्स्ट और स्टे राउंड सेकेंड। तो ये सभी अभी मान लीजिए कि स्टे राउंड 30 तारीख के बाद ही होगा। मैं आपको अभी पूरा ब्राउचर फिर से दिखा रहा हूँ सभी चीज़ों का। तो देखिए ये मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल था, रीशेड्यूल किया गया था। तो क्या डेट थी कि जो लोग सीट नहीं छोड़ पाए थे वो 14 तारीख तक अपनी सीट छोड़ देते, 14 तारीख तक एक मौका था कि अपनी सीट छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर जो दोबारा सीट मैट्रिक्स आई थी वो 16 तारीख को आई, और आप लोग देखिए कि KGMU में लोग सीटें छोड़ दिए थे। उसके बाद 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का टाइम था, और 23 तारीख को इसका परिणाम आ गया कि किसको कौन सी सीट अलाट हुई है किस कॉलेज में। और ये देखिए, ये 30 तारीख तक जो है आप लोग कॉलेज में रिपोर्टिंग कराएं, इसकी डेट 30 तारीख है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे दिया गया है 30 तारीख कब तक, 6 बजे तक। उसके बाद नीचे दिया गया है स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉपअप राउंड। तो ये दिया गया है कि स्टे राउंड होगा यदि वैकेंट सीट बचती है मॉपअप राउंड में। तो आप लोग जान लीजिए कन्फर्म है स्टे राउंड होगा, क्योंकि अगली बार भी इसी तरह बोला गया था। और कितने स्टे राउंड हुए थे, स्टे राउंड 2 हुआ था। स्टे राउंड फर्स्ट ये ऑफलाइन होता है, कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। स्टे राउंड फर्स्ट हुआ था और स्टे राउंड सेकंड भी हुआ था। उसके बाद भी अखबार में आया कि प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी सीटें बची रह गई हैं। स्टे राउंड सेकंड में गवर्नमेंट की 5 सीटें थी, स्टे राउंड फर्स्ट में गवर्नमेंट की जो है करीब 45 से 50 सीटें थी। उसके बाद अगली बार जो मॉपअप राउंड में सीट मैट्रिक्स आया था उसमें कम सीटें थी, इस बार जो मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स है उसमें पिछली बार के मुकाबले, समझ लीजिए पिछली बार जो है करीब 250 सीटें थी मॉपअप राउंड में, और इस बार मॉपअप राउंड में कितनी सीटें थी, इस बार मॉपअप राउंड में 272 सीटें थी। तो इस बार सीटें भी काफ़ी थी मॉपअप राउंड में। तो ये जान लीजिए कि स्टे राउंड जो सेकंड हो, मतलब स्टे राउंड फर्स्ट कब होगा, मॉपअप राउंड ये 23 तारीख को कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी, जहाँ तक हमें लगता है यूनिवर्सिटी एक चांस अभी और देगी सीट छोड़ने का। और ये भी मान लीजिए कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है वो सीट ना ही छोड़ें, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एक मौका देगी सीट रिजाइन करने का, फिर से आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद उनके बाद जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको भी थोड़ा कम कट ऑफ किया जाएगा पिछली बार की तरह, तो वो भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टे राउंड कब से स्टार्ट होगा, ये मान लीजिए कि 30 तारीख के बाद, जैसे 30 तारीख के बाद, 30 तारीख कब के बाद, 6 बजे के बाद, मान लीजिए कि 31 या 1 तारीख तक,
जो है यूनिवर्सिटी ABBMU क्या करेगा, सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा, सीट मैट्रिक्स जारी करेगा। उसके बाद हमें जहाँ तक लगता है कि अभी MBBS की काउंसलिंग चल रही है नीट की, तो 1 तारीख को सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा, उसके बाद चांस देगा सीट रिजाइन करने का। सीट रिजाइन करने के बाद हो सकता है कि 3 या 4 तारीख से स्टे राउंड स्टार्ट हो जाए 3 या 4 तारीख से। और आप लोग कमेंट में ये भी कमेंट करके बताइए कि जिनको जिनको कॉलेज मिला है गवर्नमेंट कॉलेज, वो कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। किसी को आगरा मिला है तो कितने पर मिला है, किसी को कानपुर मिला है तो कितने नंबर पर मिला है, लखनऊ का जो तीनों कॉलेज हैं मिले हैं तो कितने नंबर पर मिले हैं, विशेष करके राम मनोहर लोहिया कितने नंबर पर मिला है, या प्रयागराज का कॉलेज कितने नंबर पर मिला है, तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टे राउंड से रिलेटेड सभी जानकारी, छोटी सी भी छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी, डेली आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।